अब जब सारा डिस्कशन हो जाता तो फाइनली पेशेंट हमसे पूछता है कि मैडम सर्जरी का कॉस्ट तो बता दीजिए कि कितना पैसा लगने वाला है। जहाँ के फाइनेंस की बात आती है, जो मेन बात है जो कि पेशेंट को पे करनी होती है, तो पेशेंट तो हमेशा एक ही चीज चाहता है कि कम से कम में सर्जरी हो जाए। बट जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को और ओपन सर्जरी को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट में काफी फर्क आ जाता है। और काफी फर्क आने का कारण मैं समझती हूँ कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या रिक्वायरमेंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बहुत अच्छी दूरबीन होनी चाहिए, यानी कि जो लेप्रोस्कोपी करने के लिए जो सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि एक बड़ा सा स्क्रीन होता है जिसके ऊपर के पिक्चर सारा नजर आता है, मेडिकल ग्रेडेड मॉनिटर होता है, दूसरा कैमरा होता है, कैमरे के आगे एंडोस्कोप होता है, फिर एक लाइट सोर्स होता है जिससे कि उजाला होता है अंदर, फिर एक गैस डालने का एक मशीन होता है, फिर एक लेजर मशीन होता है जिससे कि सीलिंग का काम होता है। तो पूरा एक लेप्रोस्कोपिक टावर बनता है जिसमें सारा सिस्टम रखा जाता है। तो ये सारा जो मशीन का कॉस्ट आता है वो 25-30 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक आता है। अब एवरेज जो इन्वेस्टमेंट माना जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कम से कम 50 लाख के आसपास होता है, और ओपन सर्जरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो हार्डली 1 से 2 लाख रुपए का होता है। तो देर इज अज डिफरेंस इन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन्वेस्टमेंट एंड द ओपन सर्जरी। यानी कि अगर हाथ से सर्जरी करनी है तो आप अपने हाथों से जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कैंची, ग्रास पैरो, ये जो छोटी चीजें होती है उनसे हो जाता है कि वो बहुत ही सस्ती होती है। यानी कि अगर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की तुलना में अगर उनको कंपेयर करेंगे तो बहुत चीपर होती है, यानी कि 10 गुना से ज्यादा का फर्क होता है। सर्जरी करने का औजार 2500 में आता था, वो 25000 रुपए का था, इतना तो मिनिमम डिफरेंस है ही। इसी तरीके से जो लेप्रोस्कोपिक टावर का कॉस्ट है वो कॉस्ट तो कभी ओपन सर्जरी में आता ही नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी चीज जरूरी है, यानी कि आपके करने वाला डॉक्टर, तो डॉक्टर की ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा समय खराब होता है, बहुत सारा डेडिकेशन लगता है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। उसके बाद ही कोई जनरल डॉक्टर या जो नॉर्मल डॉक्टर है वो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन बन पाता है। तो ऐसी सारी स्थितियों में सारा कॉस्ट इंक्लूड होकर ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो पाती है। इसीलिए डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है। अब जब मैं बता रही हूं कि ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट में 10 गुना का फर्क है, तो आइडियली अगर देखा जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के रेट्स में भी 10 गुना डिफरेंस होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि 10 गुना का डिफरेंस हो, हार्डली देर इज अ 1.5 to 2 times रेट एक्स्ट्रा चार्ज बाई फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि 1.5 से 2 गुना का चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। यदि ओपन सर्जरी अगर 10000 में होती है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 20 से 25000 में हो जाती है। तो इतना तो डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। और कोई भी डॉक्टर घर से तो सभी लोन से लेके शुरू में प्रैक्टिस चालू करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें अपना इंस्टॉलमेंट भी देना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि रिकवर करने होते हैं। तो डेफिनेटली कॉस्टली होती है, लेकिन जो हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं उसका एक आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आपके हेल्थ के ऊपर आपको उसका रिटर्न मिल रहा है कि आपको अस्पताल में रुकना नहीं पड़ रहा, दर्द नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, रिकवरी बहुत फास्ट है, आप अपनी सर्विस बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को जल्दी संभाल सकते हैं। यानी कि आपको छुट्टी लेने के कारण जो नुकसान हो रहा था वो सब आपका फास्ट रिकवरी के कारण रिकवर हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह कि आपको दर्द नहीं होता। और यदि आपको कोई 100 रुपए देकर बोले कि मैं सुई चुपा दूंगा तो आप मेरे हिसाब से मना कर देंगे कि नहीं भैया, मुझे 100 रुपए आपके नहीं चाहिए, सुई नहीं चुपानी, मेरे दर्द होगा। तो उस दर्द को कम करने के लिए थोड़ा सा यदि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है तो आई थिंक यू शुड पे हैप्पीली, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हेल्थ का और जो लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद मिलता है वो इज अनकंपेरेबल, अनमैचेबल टू द ओपन सर्जरी। सो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हैं, बेस्ट ऑफ द हेल्थ इन द केयर और एनीथिंग else।